भैया जी यहाँ पे मंदिर का गेट बंद था और बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हम तीन लोगों के दर्शन के लिए इस मंदिर के गेट को ओपन किया गया। और सच बताऊं तो शहर के शोरगुल से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुकून था। और हम बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कैसे मंदिर का गेट ओपन हो और हम कैसे भोले बाबा का दर्शन कर पाए। और आप मानो या ना मानो, जैसे ही मंदिर का गेट ओपन हुआ हम खींचे हुए चले गए अंदर। और मैं बेसब्री से वेट कर रहा था कि कितना जल्दी मंदिर का गेट ओपन हो जाए। और जैसे ही मंदिर का गेट ओपन हुआ, आप मानोगे नहीं, ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई एनर्जी अपनी तरफ खींच रही है। मैं भागा चला जा रहा था मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, अभी मंदिर का गेट बंद हो चुका था। 12 बजे के बाद मंदिर का गेट बंद हो जाता है, फिर शाम को खुलता है। तो अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, तो जो पुजारी जी हैं वो हम लोगों के लिए गेट खोला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। तो यहाँ से हम अपना शूज वगैरह निकालते हैं और अंदर मंदिर में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ का जो पॉजिटिव वाइब है गजब का आ रहा है। यहाँ पे एक आपको अलग ही प्रकार की एनर्जी फील होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना मंदिर कमाल का लग रहा है, एकदम इनोसेंट मंदिर लग रहा है। और इसका डिजाइन आप एक बार देखो कि क्या ही कमाल का। और ऊपर देखो, ऊपर वहाँ पे जो आ रही है सूर्य भगवान का रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ पे, बहुत ही कमाल का। और ये हमारे राजीव भैया हैं, प्रे कर रहे हैं भगवान से कि इनको खुशियाँ मिले और अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़े, हम भी यही कामना करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मंदिर कितना ही कमाल का है। और यहाँ पे आपको आने के बाद एक अलग ही प्रकार की एनर्जी फील होगी। और वहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर मठ हैं। तो ये मंदिर मैं मतलब मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शहर से दूर दूर तक नाता नहीं है, यहाँ पे शहर कुछ भी नहीं है, एकदम गांव के बीचों बीच बना है। यहाँ पे सिवान है, खेत के बीचों बीच बना है मंदिर। और वहाँ पे एक आश्रम भी है, वहाँ पे यज्ञ होता है और वहाँ पे एक तालाब भी है, उसको भी आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत ही कमाल का लग रहा है। और एक बार आप मंदिर देखो, मंदिर वैसे खुला है, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो यहाँ पे हम मंदिर के अंदर चलते हैं, उससे पहले मैं अपना सॉक्स निकाल लेता हूँ। हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो मंदिर, और यहाँ पे मंदिर का गुंबद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आवाज एको कर रहा है, लड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, ये है नंदी। और मंदिर में हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद इस मंदिर को खोला गया था हम तीन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं मंदिर के अंदर हूँ, यहाँ पे आप कपाट देखो, ये रहे नंदी। और वहाँ पे अंदर हमारे भोले शंकर विराजमान हैं, इनका ये रहा शिवलिंग और ये रहा नटराज की मूर्ति। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी हम लोग तीन लोगों के लिए बस खोला गया था और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा मंदिर का एकदम अच्छे से दर्शन कर लिया है। कितना पुराना मंदिर है बाबा? ये पुराना है, कौन ढेर नहीं छे तो भवानी माई वाला वो हाँ। अच्छा, वो वाला अच्छा, लेकिन और सब ही सब मंदिर अच्छा, नया बनाया अभी सब उनके कृपा ले माई के। तो ये महाशय इससे पहले भी आ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, महादेव के यहाँ बार बार सभी लोग आते हैं और बार बार सभी लोग आने के दर्शन करने के लिए ही आते हैं। तो हम लोग तो महादेव के भक्ति है, महादेव के चरण में हमेशा रहते हैं हम। तो यहाँ पे अभी ये लोग देख सकते हो कि अभी ये लोग अपना फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं और मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा है ब्लॉग लग रहा है, मंदिर कैसा आपको लगा। और अभी मैं आपको बहुत चीज़ें दिखाने वाला हूँ, वो तालाब दिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, ब्लॉग में बने रहो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप महादेव के भक्त हो तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये मंदिर कैसी लगी। वैसे हर एक महाकाल के भक्त को तो हर एक मंदिर अच्छी लगती है। तो मंदिर में कुछ नहीं रखा है, अंदर आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये लोग के तो फोटो खींच के संतोखे ना होत बा। और तो Ha ha ha.
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पूरा दर्शन वगैरह कर लिया है। अब यहाँ से चलते हैं, आगे एक मंदिर है वहाँ पे आपको दिखाएंगे, फिर थोड़ा सा एक छोटा सा तालाब है उसको भी दिखाएंगे, है ना। अब कहाँ पे जाने वाले हम लोग राजीव? बस आगे जो आगे जाने के बाद राइट हैंड पे एक मंदिर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। फिर बस ब्लॉग यही था, और आपने देखा मंदिर बहुत ही ज्यादा भव्य था। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? बिल्कुल। और शेयर बहुत से ज्यादा, जितना भी ज्यादा हो सके भाई शेयर करो, और यहाँ पे आओ घूमो। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह है, बिल्कुल देखने लायक। एक बार मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश और कसवड़, ठीक है, जिला चंदौली में पड़ता है, ठीक है, कसवड़। आप सर्च कर लेना, वहीं पे ये मंदिर है उसी गांव में। और डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो मैं लिंक दे दूंगा, जो भी मैप्स वगैरह का लिंक दे दूंगा, और एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा। अगर किसी को घूमना हो तो आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अलग ही प्रकार की आपको एनर्जी मिलने वाली है यहाँ पे आके। तो इस मंदिर के बाहर ही ये मंदिर है, कोई माता है उनका मंदिर है। और ये मंदिर इस वाले मंदिर से भी ज़्यादा पुराना है, ये वाला मंदिर। तो देखो ये वाला मंदिर उस वाले मंदिर से भी ज़्यादा पुराना है। पंडित जी बता रहे थे कि ये वाला मंदिर उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो वो वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया शुरू में, आपने देखा होगा कि बोले थे कि एक मंदिर उससे भी पुराना है, और ये वही मंदिर है, ठीक है। फिलहाल तो ये मंदिर बंद है, लेकिन हम लोग थोड़ा गलत टाइम पे आए थे, इसके वजह से अभी मंदिर बंद था। वो मंदिर तो कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके खुलवा लिया गया, लेकिन अभी ये मंदिर बंद है। अभी किसी और अदर ब्लॉग जो हम लोग का आएगा उसमें इस मंदिर का भी आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाएगा। और इनको तो आप लोग जानते ही हैं, तालाब है, तालाब। वो वाला मंदिर बंद है क्या? ये तालाब रहा, और वैसे भी टाइम हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा कम है, वहीं पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, यहीं से देख लीजिएगा। ये वाला बंद है? नहीं नहीं भाई, बंद है। तो दोस्तों हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिया है, और जिस तालाब की मैं बात कर रहा था, मंदिर के जस्ट पास में ये तालाब है। और यहाँ पे आप देखो क्या गजब का आपको वाइब मिलेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक छोटे से मंदिर में हो। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल एकदम लगेगा ही नहीं। और ये मैं आपको बता दूं, ये शहर से बहुत दूर ये गांव है, और ये जो मंदिर बना है खेतों के बीच में बना है, ठीक है, जिसको सिवान बोलते हैं, सिवान के बीच में बना है। इतना भयंकर मंदिर और ये आश्रम वगैरह और ये तालाब वगैरह बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट की गई है इन सब चीज़ों की। और जो लोग मंदिर का देखभाल करते हैं यहाँ पे, उन लोगों का रहने का जो कॉलोनी वगैरह होता है यहाँ पे, उन लोगों का रूम्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो पूरा लाइन से। तो मतलब कि पूरा गजब का अरेंजमेंट किया गया है मंदिर का। कुंड के बीचों बीच माँ भवानी का मंदिर है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर एक खुला होता है तो यहाँ पे जो लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे स्नान वगैरह भी करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने के बाद, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग एक गांव में हैं। और यहां पे आप खुद देख सकते हो, वैसे मैंने पुजारी जी से कहा कि खुल सकता है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ खोल देंगे, लेकिन हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए हम चलते हैं। और वैसे भी कुछ देखने को बचा नहीं है, यहां से सब कुछ दिख रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो माँ भवानी का भी आशीर्वाद लेंगे, यहीं से हम लोग आशीर्वाद लेके अपने घर के लिए चलते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग सब कुछ देख सकते हो।